भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज अपने नाम करना चाहेगी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा 104 और कैमरन ग्रीन 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 255 पे 4 विकेट रहा। उस्मान ख्वाजा 104 और कैमरन ग्रीन 49 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। इन दोनों के बीच 85 रनों का साझेदारी हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में मजबूत स्थिति में है। मुकाबले के दूसरे दिन ये दोनों बड़ी साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को और बेहतर स्थिति में पहुंचा जाएंगे। पहले दिन क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए एंड तक। अहमदाबाद की सपाट पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले की विकेट के लिए हेड और ख्वाजा ने 61 रन जोड़े। इसके बाद ट्रेविस हेड और मार्लस लबुसेन आउट हुए, लेकिन स्मिथ ने ख्वाजा के साथ बड़ी साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। स्मिथ और शतक नहीं लगा पाए और उनके बाद आए पीटर हैंड्स को भी छोटे स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद ग्रीन और ख्वाजा ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस बीच ख्वाजा ने अपना शतक भी पूरा किया। वहीं कैमरन ग्रीन अर्धशतक के करीब हैं। भारत के लिए शमी 2 विकेट और रविंद्र जडेजा 1 विकेट और अश्विन 1 विकेट लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्टीवन स्मिथ 38 रन बना करके इस मैच में एक बेहतरीन योगदान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक के खेले गए मैच में एक तरफा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। इसको देखकर लग रहा है कि इंडिया अगर यहां से कमबैक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया इस मैच को हारने के और अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया इस मैच को हार जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा और वहीं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस मैच को हर हाल में इंडिया को जीतना होगा, तभी इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जो 7 जून को होने वाला है वो इंडिया खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों आज मैच शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री दोनों एक साथ दिखे थे और सभी खिलाड़ी से हैंडशेक भी करते नजर आए। और एक बात बता दें दोस्तों कि ये एक बेहतर साइन है क्रिकेट के, और क्योंकि रवि शास्त्री अपने साथ में लेकर के दोनों को घुमाए भी। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया का बॉलिंग में वो धार नज़र नहीं आया, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम पर हावी नज़र आ रहे हैं और इस कारण इंडिया को कहीं न कहीं पिछड़ना पड़ सकता है इस टेस्ट मैच में, और कल खतरनाक कमबैक करना होगा। अगले दिन के खेल में इंडिया को एक बेहतरीन खेल दिखाना होगा, तभी इंडिया कुछ कर सकता है। अगर इंडिया लगातार विकेट लेगा तभी इंडिया कमबैक करेगी, और कमबैक करते ही इंडिया अपना जो है परचंड लहराएगी और कहीं न कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए अपना उम्मीद को कायम रखेगी। तो चाहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।